पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रेड सोसाइटी के द्वारा अमर क्रांतिकारी राम अवतार दीक्षित की पुण्यतिथि पर एक भव्य कार्यक्रम सेनानी भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शहीद सुखदेव के वंशज अनुज थापर रहे। विशिष्ट अतिथि भारत भूषण जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरदार अमोलक सिंह ने की। मुख्य अतिथि अनुज थापर ने कहा कि सदन में अध्यादेश लाकर क्रांतिकारियों को शहीद का लिखित दर्जा दिया जाए। उस वक्त बड़ा दुख होता है जब कागजों में उन्हें आतंकवादी देखा जाता है। उन्होंने कहा कि युवा अपने हृदय में शहीद क्रांतिकारियों के विचारों को उत्पन्न करें, उन्हीं की तरह त्याग, राष्ट्र के प्रति समर्पण और प्रेम को जागृत करें। आज का भारत युवा है और युवाओं की राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सभा में उत्तराखंड से आए विशिष्ट अतिथि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत भूषण जी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उस राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की राष्ट्र के प्रति प्रेम और संपूर्ण की मानवता होती है। इस अवसर पर सभी का सम्मान किया गया। आज अमर क्रांतिकारी राम अवतार दीक्षित जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर रेड सोसाइटी ने एक श्रृंखला का प्रारंभ किया है और वह प्रत्येक 6 माह बाद प्रथम श्रेणी के क्रांतिकारियों के वंशजों को आमंत्रित करती है और उनको सम्मानित करती है। हमने पूर्व में मंगल पांडे के वंशज, शहीद भगत सिंह के वंशज, सुभाष चंद्र बोस जी के वंशज, चंद्रशेखर आजाद जी के वंशज एवं शहीद अशफाक उल्ला खां साहब के वंशजों को आमंत्रित करके सम्मानित किया है। इस वर्ष हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि शहीद सुखदेव जी के वंशज का हमें सम्मान समय मिला, श्री अनुज थापर जी का। आज रेड सोसाइटी एवं मुरादाबाद के सभी संभ्रांत नागरिक गण मिलकर के यहाँ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और जो युवा हैं उन युवाओं में राष्ट्र के प्रति जो समर्पण और प्रेम की त्याग की भावना है वह जागृत करने हेतु आज का यह कार्यक्रम किया जा रहा है।